Today we are going to discuss about the cyclone disaster management. So this kind of cyclone is not occurring in state of Jammu and Kashmir. Basically, the cyclone is most prevalent in the coastal areas of Indian Peninsula region, from Bay of Bengal to the Arabian Sea. So first, we will discuss what is the definition of the cyclone. Cyclone क्या होता है? Cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low pressure, low atmospheric pressure. जहाँ पे भी कहीं low atmospheric pressure हो, उसके इर्द गिर्द जितना भी air mass है वो rotate करता है. And then how it rotates, it depends upon कि cyclone किस hemisphere में है, southern hemisphere में है और northern hemisphere में. तो अगर साइक्लोन है साउदर्न हेमिस्फीयर में, मींस बिलो द इक्वेटर, जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है और बहुत सारी कंट्रीज आती है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ जो एयर मास है अराउंड द लो प्रेशर, ये होती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है नॉर्मली उस रोटेशन में. और जब साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेवलेंट होता है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोल सकते हैं, इंडियन ओशन में बोल सकते हैं, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मींस कि घड़ी जैसे चलती है उसके उल्टे हिसाब से ये रोटेट करता है. तो ये डिफरेंस है साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन में. तो दे यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पायरलिंग विंड दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ये मैंने बताया कि क्लॉकवाइज है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. और जो हमारे टॉर्नेडोज है वो एक कॉलम होता है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कॉलम होता है एयर का, वो पूरा घूमता है, उसमें बेसिकली जो क्लाउड होता है थंडर क्लाउड वही नीचे आता है, वही स्पायरल घूमता है सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो बहुत हाई स्पीड से चलता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. हम आगे जाके इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते करते हैं कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किस किस लोकेशन पे आता है, एंड व्हाट आर द प्रिकर्सर्स दैट इनिशिएट टॉर्नेडोज एंड साइक्लोन्स. तो बेसिकली ये हमको आइडेंटिफाई करना है इसको, साइक्लोन और टॉर्नेडो को, तो टॉर्नेडो बेसिकली फनल शेप होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन. आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में जो घर उड़ा के ले जाता है और घूमता है, एक पूरा चलता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन. और जो टॉर्नेडो की जो बीच वाली जो वो होती है, आई होती है जहाँ वो रोटेट करता है, बिल्कुल काम होता है वहाँ पे, ऐसा कोई भी आपको उसमें प्रेशर उतना वो नहीं होता, लो प्रेशर होता है, बेसिकली दोनों लो प्रेशर के इर्द गिर्द घूमते हैं. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है साइक्लोन, कहाँ आकर होता है, एंड टॉर्नेडोज व्हाई दे आकर, तो बिगिन इन ट्रॉपिकल रीजन सच एज पैसिफिक आइलैंड्स, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अदर सीज. जैसे साइक्लोन्स इंडियन ओशन भी बहुत कॉमन है, तो मोस्ट प्रेविलेंटली दे आकर इन पैसिफिक आइलैंड्स एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. वही पैसिफिक आइलैंड्स जो है हमारा, अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लेंगे हम, तो उसके आसपास ही जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट होता है. द टॉर्नेडोज हैव बीन स्पॉटेड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका. ये हर किसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और बगैर अंटार्कटिका के. तो इसमें जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑकर इन नीदरलैंड्स, जो नीदरलैंड है वहाँ पे ज़्यादा जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली टॉर्नेडोज आते हैं. एंड यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऑन एन एवरेज 1200 तकरीबन ईयरली टॉर्नेडोज आते हैं. ये तो एक लोकलाइज्ड जगह होते हैं, ऑन एन एवरेज जो यूनाइटेड स्टेट्स में ये नंबर है. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, द साइक्लोन हैव अ लो प्रेशर सेंटर, जो मैंने कहा लो प्रेशर सेंटर जो उसका होता है, जिसको आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन. And the wind spiraling around the counterclockwise in northern hemisphere. Counterclockwise को हम anti-clockwise भी बोलते हैं. And clockwise in southern hemisphere. थोड़ा सा मैं इसको मैंने पहले ही बता दिया है.
स्पीड जो होती है वो वैरी करती है 32 to 200 किलोमीटर्स पर आवर, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसकी स्पीड क्या होगी, वर्लिंग स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से ये आई के इर्द गिर्द घूमता है एयर मास। साइक्लोन्स मेनली ऑकर इन पर्टिकुलर सीजन, मेनली अफेक्ट द कोस्टल एरियाज, ये एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। साइक्लोन्स का मेनली प्रिकर्सर होता है अगर सी सरफेस टेम्परेचर 25.5 और 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे साइक्लोन जनरेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सी। बेसिकली वहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड देन इट क्रिएट्स लो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर और इर्द गिर्द जो कूल मास ऑफ एयर होता है वो उसके इर्द गिर्द वर्लिंग करते हैं एंड देन इट मूव्स फ्रॉम सीज टू द लैंड। तो उस हिसाब से ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है अगर ये इनलैंड चला गया, मीन्स कि इंडिया में मोस्ट प्रेविलेंट जैसे वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये साइक्लोन्स मोस्ट ज़्यादा प्रेविलेंट होते हैं, ये सी से चले जाता है इनलैंड एंड दे कॉज डेवेस्टेशन। रिसेंटली जो ओडिशा में हुआ था तो उसमें उसने बहुत नुकसान किया था, वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। देन द साइक्लोन्स हैव मेनली थ्री टाइप्स, पोलर, ट्रॉपिकल एंड मीजो साइक्लोन्स। मतलब इनकी वोकेशन के हिसाब से कहाँ ऑकर होंगे, पोलर रीजन्स में होंगे तो पोलर कहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मीजो साइक्लोन इन बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। देन टॉर्नेडोज जो है नॉर्मली रोटेट इन क्लोनिकली, जो इनकी फनल शेप होती है बेसिकली, अगर आप फनल देखेंगे उसमें जो ऊपर वाला जो है उसका जो डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है और जब वो नीचे हम जाते हैं जो छोटी सी पाइप बनती है उसका डायमीटर बहुत कम होता है, तो वैसे ही उसी शेप का टॉर्नेडो भी होता है। तो दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। वही जैसे साइक्लोन्स होते हैं उनका जो पैटर्न रोटेशन है सेम एज टॉर्नेडोज भी है उसका, टॉर्नेडोज का भी है। स्पीड वेरी करती है फ्रॉम 60 to 480 किलोमीटर्स पर आवर, तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ तो मैक्सिमम 200 था, यहाँ पे 480 है, मीन्स कि मोर देन द डबल ऑफ द साइक्लोन्स। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पे टॉर्नेडो आते हैं तो वहाँ की कंडीशन क्या होती है। बेसिकली जो जो भी उसकी जो पाथ में आएगा, जो भी घर आएगा, गाड़ी आएगी, वो पूरा उसको खींच लेता है एंड देन इट उसको अपवर्ड ले जाता है पूरा ऊपर हॉरिजन तक, जो जहाँ वो जनरेट होता है क्लाउड, क्लाउड तक ले जाता है वो मास और फिर नीचे गिराता है। तो टॉर्नेडोज आर मोस्ट कॉमन इन स्प्रिंग एंड लेट कॉमन विंटर एंड लीस्ट कॉमन इन विंटर, जो मोस्ट प्रेविलेंट स्प्रिंग में होते हैं और सबसे कम होते हैं विंटर्स में। तो स्प्रिंग्स के अलावा समर्स में आ जाएंगे, ऑटम्स में भी आ जाएंगे, बट विंटर्स में बहुत कम होता है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो विंटर्स में जो एयर मास है उसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है एंड बिकॉज इट्स कोल्ड, उसमें टेम्परेचर इन्वर्शन होता है, तो टॉर्नेडो जनरेट करने के लिए जो है प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, मीन्स उसमें जो है ये टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, सनी होगा तो उसके बाद ही टॉर्नेडोस होगा, ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसके भी तीन टाइप्स है, मल्टी वोटेक्स, वाटर स्प्राउट, लैंड स्प्राउट। तो वोटेक्स बोलते हैं जो उसका घूमने का अंदाज होता है, तो उसके हिसाब से कैसे घूमता है वो। तो वाटर स्प्राउट अगर वो पानी वहाँ से उसके साथ पानी भी आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द क्लाउड, ये बेसिकली क्लाउड ही होता है जो नीचे आता है। तो थर्ड है लैंड स्पाउट, इसका जो है आप इसको याद रखिए, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द टॉर्नेडोज। तो बेसिकली ये टॉर्नेडोज और साइक्लोन का कंपैरिजन मैंने इसलिए दिया, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो स्टार्टिंग की स्लाइड्स में मैंने आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट किया है व्हाट आर द साइक्लोन्स एंड व्हाट आर द टॉर्नेडोज। देन इंटेंसिटी एंड डैमेज कैसे मेजर किया जाता है साइक्लोन का, तो साइक्लोन इंटेंसिटी जो है मेजर की जाती है इसका स्केल कितना है कितना छोटा है, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कौन कंट्री कौन सा स्केल अडॉप्ट करेगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करेगा। तो मेजरिंग साइक्लोन इज कॉल्ड ब्यूफोर्ट स्केल से मेजर किया जाता है एंड सफर सिम्पसन स्केल
मेनली ये दो ब्यूफोर्ट स्केल एंड सेफर सिम्पसन स्केल से मेजर किया जाता है साइक्लोन की इंटेंसिटी, इसका स्केल क्या है और इसका लेवल, इसका फैलाव कितना है, डायमीटर कितना है, ये बेसिकली इन स्केल से मेजर किया जाता है। और ये वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री, उनकी अपनी कोई जो स्टैंडर्ड्स होंगे मेजर करने के लिए। द स्केल्स फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, डैमेज एंड विंड स्पीड। अब जो स्केल हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है इस पे भी कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका क्या डैमेज कितना कर सकता है, मतलब जो जो इसकी इंटेंसिटी है वो कितना डैमेज कर सकता है उसके हिसाब से, और जो विंड स्पीड है साइक्लोन की वो कितनी है उस हिसाब से हम वो स्केल भी, इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं। द स्केल रेंजेस फ्रॉम नेग्लिजिबल, अगर स्केल हम यूज़ करेंगे तो उसमें नेग्लिजिबल डैमेज जैसे हाउस डैमेज, किसी का मकान का छत उड़ गया फॉर एग्जांपल, या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो उखाड़ उखाड़ के ले गया वो ट्रीज, एक्सटेंसिव डैमेज, तो अगर मतलब ज़्यादा डैमेज हो गया तो स्केल डिफरेंट होगी, अगर कम डैमेज हो गया तो स्केल डिफरेंट होगी, बेसिकली मेजरिंग स्केल डिफरेंट होगी। तो विंड स्पीड रेंज करती है ऑन एन एवरेज, यहाँ पे तो माइलेज में मैंने बताया, वहाँ पे मैंने किलोमीटर्स में बताया, बट मोर और लेस दे आर बोथ सेम। तो टॉर्नेडोज की जो इंटेंसिटी जो है वेरी करती है दोज विद द लार्ज ट्रैक्स स्टॉर्म में, इसकी स्केल भी, इसके जो इसका जो ट्रैक होगा, इसकी इंटेंसिटी है, इसके हिसाब से भी इसका जो मेजरिंग स्केल है वो डिफरेंट होगा। द स्केल यूज्ड फॉर रेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ टॉर्नेडोज इज कॉल्ड फिजिटा, फिजिटा एनहेंस्ड फिजिटा एंड टोरो स्केल। ये तीन स्केल्स है जो स्ट्रेंथ ऑफ जो है टॉर्नेडो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो फिर इसके जो करेक्टर्स है इन स्केल्स के, रेंजेस फ्रॉम F0, EF, ये एनहेंस्ड जीरो, मतलब अगर बहुत कम डैमेज होगा देन इट कैन गो टू अप टू लेवल ऑफ 5, और T11 लेवल तक जाता है जब डैमेज बहुत वास्ट होता है जिसमें बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स पूरा डैमेज होता है। तो इन यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिमम टॉर्नेडोज जो है 80% फॉल इन EF0, मीन्स बहुत कम डैमेज होता है, मैक्सिमम जो टॉर्नेडोज है बहुत कम डैमेज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, बिकॉज जो टॉर्नेडोज हैं मोस्ट प्रेविलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स की ही मेंशन कर रहे हैं। तो EF1 जो है, फिर लेस देन 1 जो इवेंट्स है तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वो डेवेस्टेटिव होते हैं, मोर देन EF4 एंड T8 जो है, ये बेसिकली इसका स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ तक, फिर 0 से यहाँ ये भी 5 तक है, ये 0 से 11 तक है, वैसे ही हमारा 0 पे डैमेज बहुत कम रहेगा एंड देन दिस स्केल 4 पे या 8 पे, T4 पे डैमेज ज़्यादा रहेगा, या उसके ज़्यादा भी डैमेज रहेगा तो स्केल वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिटेक्शन ऑफ टॉर्नेडोस, जैसे हम पहले डिटेक्ट करते हैं, पहले डिटेक्ट करना होता है टॉर्नेडो एंड साइक्लोन को, डिटेक्शन के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन मेजरिंग इंटेंसिटी के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बेसिकली जो पल्स डोपलर है, डोपलर राडार, अगर आपने IMD श्रीनगर देखा होगा, जो राजबाग, राजबाग नहीं रामबाग जो हमारा IMD स्टेशन है, उनके ऊपर भी एक राडार लगा है, एक एंटीना जैसे पूरा घूमती है 360 डिग्री पे, तो वो मेजर करती है मॉइस्चर कितना है पूरा वैली में, जितने हमारे वैली में सराउंडेड में माउंटेन्स है पूरा, वो मॉइस्चर कैलकुलेट करता है तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। तो पल्स डोपलर भी ऐसा ही उस पर काम करता है, बेसिकली कुछ वेव्स छोड़ता है, माइक्रोवेव्स, तो वो जब वापस आती है स्ट्राइक करती है किसी एयर मास से, तो उससे पता चलता है उस एयर मास की स्पीड क्या है, उसमें मॉइस्चर कितना है और वो कितनी तेज़ी से आ रहा है। तो ये एक है। फिर फोटोग्रामेट्री, ये एक और, इसमें बेसिकली देखते हैं कितना स्पायरल है इसका, इतना डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि किन चीज़ों के साथ, किन चीज़ों से हम डिटेक्ट करते हैं साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज को, पल्स डोपलर, राडार, फोटोग्रामेट्री एंड ग्राउंड स्वेरल पैटर्न से हम मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं टोर्नेडोज एंड साइक्लोन्स को। देन मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, ये साइक्लोन है, साइक्लोन नीलोफर एंड टॉर्नेडो जो ओक्लाहोमा में हुआ था 1992, ये इससे पता चलेगा, ये सैटेलाइट पिक्चर है, बेसिकली सैटेलाइट से हम इमेज लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा जो है
घूमता है, ये एक आई है यहाँ पे, ये लो प्रेशर होगा, इतना भी जो लैंड मास है इसके इर्द गिर्द घूमता है ये साइक्लोन नीलोफर है। बेसिकली जो साइक्लोन्स के नाम होते हैं ये डिपेंड करता है कंट्री को, जैसे इस साल कितने साइक्लोन्स आएंगे उनका नाम पहले ही डिसाइड करके रखा है कंट्री, कोई जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट साइक्लोन कौन आएगा इसका पहले डिसाइड करके है कि कौन कंट्री इसका नाम रखेगी। जैसे साइक्लोन नीलोफर ये पाकिस्तान ने रखा था ये नाम साइक्लोन नीलोफर, जैसे साइक्लोन हुदहुद ओमान ने रखा था नाम, साइक्लोन फाइलिन जैसे वियतनाम, शायद वियतनाम ने रखा था नाम। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री की टर्न है, कौन उसका नाम रखेगा, एंड देन तो वैसे उसके नाम होते हैं। तो टॉर्नेडोस आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे ब्रॉड है, क्लाउड है, ये पूरा नीचे आ गया है फनल शेप में, फिर इसका जो डायमीटर है पूरा कम होता है और ये घूमता है जितना भी यहाँ पे मास है ऊपर ले जाता है पूरा हॉराइजन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि एक बहुत कम लोकेशन पे होता है इतना ये, बट ये वास्ट लोकेशन पे होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस, बट दिस इज मोर डेवेस्टेटिंग। तो अब और भी कंपैरिजन है टेबल फॉर्म में, जैसे डेफिनेशन में हमने बताया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जो रोटेशन है इसकी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फेयर में, इसका भी साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है, फिर इंटेंसिटी के जैसे मेजर करते हैं ब्यूफोर्ट स्केल से, सेफर सिम्पसन स्केल से, फिजिटा स्केल, एनहेंस्ड फिजिटा स्केल, टोरो स्केल से, फिर लोकेशन कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, जैसे साउदर्न पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ये सब इसमें बेसिकली जो साइक्लोन्स हैं इनका जो नाम है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे हम इंडियन ओशन में वो इसको साइक्लोन्स कहते हैं, और कुछ जगह इसको टाइफून्स भी कहते हैं, और कुछ जगह हुरिकेन्स भी कहते हैं, दे थ्री आर सेम, हुरिकेन्स, टॉर्नेडोस एंड टाइफून्स, टॉर्नेडोस नहीं, हुरिकेन्स, टाइफून्स एंड साइक्लोन, दे आर सेम, बट द नाम चेंज है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम है इनका, बट टॉर्नेडो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये बेसिकली हर किसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो मोस्ट अफेक्टेड रीजन क्या है, पैसिफिक ओशन जो है, एंड यहाँ पे एरिया वेयर द कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स इज कॉमन, वजह से मतलब जहाँ पे गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है यहाँ पे वो मोस्ट प्रेवेलेंट, जैसे कन्वेक्शनल करंट्स, जैसे किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है एंड देन सडनली इन द इवनिंग इट स्टार्ट रेनिंग, बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो वैसे ही वो जो हमारा एयर मास है उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें कन्वेक्शनल करंट्स उठते हैं, जितना भी एयर मास वो ऑपरेट होता है एंड देन सडनली वो ऊपर चला चला जाता है ट्रोपोस्फेयर में एंड स्टार्ट रेनिंग, वो क्लाउड बनाता है, देन इसी पैटर्न पे टॉर्नेडोज भी बनते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस जो है पर ईयर 10 to 14 जो साइक्लोन्स आते हैं, देन फ्यूरिकेन ये जो टॉर्नेडोज है बहुत ज़्यादा आते हैं, 1200 से ज़्यादा भी आता है, रिपोर्ट्स 2015 में 1200 1285 1285 टॉर्नेडोज रिपोर्ट किए गए हैं 2015 में इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आप देख सकते हैं, बट ये इतना लोकलाइज्ड एरिया में होता है। तो अब जब साइक्लोन, अब हम यहाँ आप साइक्लोन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 स्टेज ऑफ वार्निंग होते हैं साइक्लोन के बेसिकली, जैसे पहले साइक्लोन को नोटिस किया जाता है, तो उस समय से साइक्लोन बहुत दूर होता है सी में, उसको नोटिस किया जाता है, उसका पैटर्न पता लगाया जाता है कि ये इसका पैटर्न क्या है, कहाँ जाएगा या ऑटोमेटिक ये मतलब इसका क्या है, मतलब वे ऑफ कोर्स क्या है। तो इसमें हम नो इमीडिएट थ्रट हाउएवर पोटेंशियल फॉर साइक्लोन अफेक्टेड लोकेशन, जैसे 5 दिन पहले हम एडवाइज करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स है फॉर साइक्लोन, वो हम लोगों को वार्निंग देते हैं, फिर साइक्लोन को वॉच किया जाता है, साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट। अब अगर हमने इसको कोर्स आइडेंटिफाई किया है एंड देन वी नो दैट ये स्ट्राइक करेगा टू द लैंड मास, देन साइक्लोन को हम उसमें वार्निंग करते हैं 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, एंड देन रेजिडेंट्स को और भी वार्न किया जाता है टू बिगिन एंड कंटिन्यू विद द नेसेसरी प्रिपरेशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया है जो मोस्ट वल्नरेबल है फॉर द साइक्लोन, वो खाली करना, बहुत सारे, और सी के आसपास जैसे फिशिंग वगैरह करते हैं मछुआरे हैं फिश जो फिश कैच करते हैं उनको वार्निंग दी जाती है आप सी में ना जाए, फिर साइक्लोन वार्निंग, साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड
है लोकल एरिया, वो 24 आवर्स से पहले ऑरेंज अलर्ट लगाया जाता है। तो इसमें रेजिडेंट्स को पूरा कंप्लीट करना होता है प्रिपरेशन, एंड देन दे हैव टू सीक द शेल्टर। तो जब साइक्लोन आता है, रेड अलर्ट जब आता है साइक्लोन, इमिटेंट्स रेजिडेंट्स आर एडवाइज टू सीक शेल्टर इमिडिएटली। जब साइक्लोन बेसिकली स्ट्राइक होता है टू द लैंड मास, टू द कोस्ट, तब इमिडिएटली उनको मीन्स शेल्टर लेना होता है किसी सेफ जगह। तो जब साइक्लोन निकल जाता है देन ऑल इज क्लियर, पूरा साफ हो जाता है। देन द इमीडिएट थ्रेट ऑफ साइक्लोन हैज पास्ड अवे, द रेजिडेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी अवेयर फॉलन पावर लाइन, जैसे पावर लाइन कहीं गिर गई, पोल वगैरह कमज़ोर हो गया, फ्लड स्ट्रीम्स वगैरह, ये ट्रैवलिंग कहीं पे हाई स्पीड भी हो सकता है, कहीं पे सड़क भी नुकसान, सड़क को नुकसान पहुँचा होगा या फ्लडिंग हो गई होगी, तो वैसे उसमें डिफरेंट एडवाइजरीज इशू की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे और भी डीप जाएंगे फॉर द जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, बेसिकली ट्रॉपिकल ओशंस में हम जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे ये आई है साइक्लोन की इनर वर्ल है, जो इनर वॉल ऑफ ये है साइक्लोन है, फिर ये आउटर वॉल है। तो ये बेसिकली इनर है, ये घूमता है यहाँ अंदर अंदर की जाता है, और ये बाहर का साइड है। तो ये फिर ये जो कलर्स है डिफरेंट है कि कहाँ पे क्या स्पीड है, मोर देन जो है यहाँ पे टर्म मैच, बट आप डोंट, यहाँ पे हमने टेबल में प्रेशर भी जो है लो प्रेशर सिस्टम, जैसे लो है मतलब उसमें किस टाइप के साइक्लोन्स बनते हैं। अगर लो है तो उसकी स्पीड लेस देन 40 नॉट्स होगी, डिप्रेस्ड है 17 to 27, तो जो सुपर साइक्लोन है उसमें मोर देन 12 एंड अबोव जो है नॉट स्पीड होती है। देन वेरी सीवियर साइक्लोन में 64 to 119 जो नॉट स्पीड होती है। तो यहाँ पे भी एक पिक्चर है, ये बेसिकली सैटेलाइट पिक्चर ऑफ साइक्लोन है, इसमें आप देख सकते हैं ये आए है, बिल्कुल ही काम होती है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो ये फिर इसके बाहर के वॉल है, स्पायरल क्लाउड्स, बेसिकली क्लाउड ही घूम जाता है, घूमता रहता है आई की, इसमें पूरा जो है मॉइस्चर भरा होता है, एंड कन्वेक्टिव सेल्स बेसिकली पूरा जो घूमते हैं अंदर। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में पाया जाता है ये साइक्लोन, फिर ये मेजर लॉस करता है द लाइव्स एंड लाइव स्टॉक। तो इन अ सिंगल इवेंट 2 to 3 लैक्स पीपल मे लॉस देयर लाइव्स, जैसे साइक्लोन बांग्लादेश में हुआ था 1970 में, जिसमें 2 से 3 लाख तक लोग की जान चली गई थी। ओनली वेदर सिस्टम्स विच बेयर नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ये पूरा लॉन्ग लाइफ इफेक्ट छोड़ता है साइक्लोन, बेसिकली प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय करता है, एंड देन ऑल्सो अगर हम अर्थक्वेक आएगा तो हम शेल्टर ले सकते हैं, बट साइक्लोन अगर हमारा कम घर कमजोर है वो उसको उखाड़ के ले जाता है। अब डिफरेंट पोटेंशियल डैमेज जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्या है, जैसे स्टॉर्म सर्ज से क्या क्या हो सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, समंदर से पानी आ सकता है, तो फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज हो सकता है, बीच के इरोजन्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ फर्टिलिटी फ्रॉम द सेलाइन इंट्रूजन, जो अगर कोई आसपास एग्रीकल्चर लैंड है उसकी वजह से जो सेलाइन वाटर आ जाएगा समंदर से, उसकी वजह से जो है वो जो बंजर बन जाएगा बेसिकली, जो नमकीन उसमें नमकीन जो है साल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो स्ट्रक्चर्स की जो डैमेज हो जाएगा। फिर विंड्स जो होती है वो आग से डैमेज करती है, वो क्या करती है, लॉस ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन, इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। और जब उसके बाद बारिशें आती है इसमें, वो अलग से डैमेज करती है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम उसको कंटेमिनेट करती है, लैंड सब्सिडेंस, अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई तो जैसे ज़मीन धस जाती है, नीचे ही चली जाती है, मतलब वो होल बन जाते हैं, पिट होल्स बन जाते हैं, फ्लडिंग इन द इनलैंड एरिया, तो इसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। तो ये पोटेंशियल डैमेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। तो ये आप एक और पिक्चर है, ये यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, तो यहाँ पे मोस्टली प्रेविलेंट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो ओशंस है ओशन बे ऑफ बंगाल जो ओशन है, यहाँ पे मोस्टली प्रेविलेंट होते हैं साइक्लोन्स, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो वही स्ट्राइक होते हैं यहाँ पे जो स्टेट्स है, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे तमिलनाडु भी हो सकता है।
तो फिर स्टेट वाइज क्या क्या आए हैं नंबर साइक्लोन, सम स्टैटिस्टिक्स आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा साइक्लोन्स ओडिशा में है, एंड देन आंध्र प्रदेश में है, लीस्ट आर इन महाराष्ट्र एंड गोवा। तो केरला में बहुत कम है। तो केरला बेसिकली जो है वहाँ पे उतने साइक्लोन्स नहीं आते हैं, बट मोस्टली जो हमारे ओडिशा में आते हैं। तो ये मैप है बेसिकली जो पास स्टडीज हुई है साइक्लोन्स पे, उसको मैप ओवरलैप किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल एरिया फॉर द साइक्लोन्स। फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये अंदर भी आ सकता है। एंड देन दिस इज द स्टॉर्म सर्च, जो साइक्लोन जब आता है तो वो अपने साथ पानी की लहरें भी लाता है। तो कहाँ कितना पानी की लहरें ऊपर आई है, देखो तो यहाँ पे 13.7 मीटर्स तक आई है। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब डिफरेंट मैं इसमें नहीं जाऊँगा उतना, बिकॉज़ ये बेसिक है कि किस लेवल का जो साइक्लोन है कितना डैमेज करेगा। यू हैव टू आप रीड कर लीजिए इसको, मैं इसको आपको प्रेजेंटेशन को भेजूँगा। तो कैटेगरी है साइक्लोन स्टॉर्म की, कैटेगरी T1, जैसे T25 में क्या स्पीड होगी, स्ट्रक्चर कौन से डैमेज हो जाएंगे, कम्युनिकेशन का क्या होगा, एग्रीकल्चर का, ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी कि स्पीड के हिसाब से कितना हमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 47 नॉट्स है, 5 किलोमीटर पर आवर भी दिया गया है स्पीड। तो वैसे ही डैमेज भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन लाइंस, रेल लाइंस, एग्रीकल्चर, जितनी भी मैरीन हमारे इंटरेस्ट जैसे फिशिंग वगैरह है, नेविगेशन है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैसे ही जब स्पीड इंक्रीज होगी तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्लासिफाई जो है डिस्ट्रिक्ट्स किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इज मोर वल्नरेबल टू द प्रोन टू द जो हमारे साइक्लोन्स है। तो यहाँ पे जो रेड है, रेड जोन्स, दे आर मोस्ट हाईली प्रोन। तो ब्लू है, ये रेड है वेरी हाईली प्रोन, एंड देन ब्लू इज हाईली प्रोन, मॉडरेटली प्रोन इज आप देख सकते हैं केरला मॉडरेटली प्रोन है, इतना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस एरिया इज मोस्ट प्रोन। और गुजरात का भी मैक्सिमम स्पीड जो है 95% ऑफ द स्टेट इज वल्नरेबल और प्रोन टू द साइक्लोन्स। फिर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वेलेंस राडार वगैरह करता है, कैलकुलेट करता है, या डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज है, सैटेलाइट्स से हम मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि साइक्लोन्स का पाथ क्या है, कहाँ जनरेट हो सकता है, हो रहा है, एंड देन वी स्टार्ट गिविंग द एडवाइजरीज एंड वार्निंग्स। और कुछ एसोसिएशन जो इसमें काम करते हैं, जैसे एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शंस है, बेसिकली IMD। अब इसमें प्रिडिक्शन ये होता है कि आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, देन यू कैन सी द क्लाउड जो कवर है कितनी, मतलब वो 3 दिन का बेसिकली देते हैं कि आज अगर आप देखेंगे कल कहाँ होगा, परसों कहाँ होगा, तरसों कहाँ होगा, उसका क्लाउड का पूरा वो पैटर्न देते हैं। जैसे हम कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस हम देखते हैं, देन इफ़ यू सी द न्यूमेरिकल वेदर मॉडल, उसमें आप देख सकते हैं गूगल देख के, तो उसमें आप पूरा पता लगा सकते हैं। जब क्लाउड आएगा तो आप खुद भी लगा सकते हैं अंदाजा, हाँ भाई 3 दिन के बाद बारिश होने वाली। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल वेदर प्रोडक्शन जो है, इसके डिफरेंट क्राइटेरिया डेटास को इंटीग्रेट किया जाता है इन द कंप्यूटर्स, एंड देन वो वहाँ से हमें पिक्चर देता है उसका। तो बेसिकली वही न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनालिसिस सेंटर्स है, सेंटर है, साइक्लोन वार्निंग रिसर्च सेंटर है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है। तो ये एसोसिएशन साइक्लोन प्रेडिक्शन वार्निंग वगैरह में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है साइक्लोन का जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है।